चलो आ जाओ। ठीक, हमें देखना है सरोजनी नायडू लाइफ एंड वर्क, उनका लाइफ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपन देख रहे हैं। चलो आगे बढ़े। ये है सिंपल इंट्रोडक्शन, है ना, क्या क्या चीजें थी, बहुत सारा लैंग्वेज में है, बस कुछ चीजें और अलग से देखनी पड़ेंगी। ठीक, देखो, इंट्रोडक्शन टू सरोजनी नायडू एज अ प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियन लिटरेचर, ऑफन रेफर टू एज द नाइटेंगल ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि हम सरोजनी नायडू को पढ़ रहे हैं, जो कोई छोटी मोटी राइटर नहीं है, हमारे भारत की महान बहुत फेमस लेखकों में शामिल है ये, है ना। बहुत ही ज्यादा इनको वो दिया जाता है सारे राइटरों में, कुछ ज्यादा ही। उसका रीजन है, इनने जो पोयम लिखी है ना, उन पोयम्स की वजह से पूरे मतलब भारत में इनको एक टाइटल दिया गया, लोग इनको बोलते हैं नाइटेंगल ऑफ इंडिया, भारत की कोयल, है ना। जनरली कुछ लोग उसमें लता मंगेशकर को समझ लेते हैं। लता मंगेशकर जो है वो स्वर कोकिला ऑफ इंडिया है ना, गायकी है। ये नाइटेंगल ऑफ इंडिया है। ये कई बार ये क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, हु इज द नाइटेंगल ऑफ इंडिया। ये बात दिमाग में अच्छे से नोट करके रखना और एग्जाम में जरूर मेंशन करना है, पहली बात। आगे देखें, अगली बात, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हर लाइफ कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। इनने तीन फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना। कौन कौन सी तीन फील्ड में इनने रोल प्ले किया, लिटरेचर, साहित्य, पॉलिटिक्स, राजनीति और सोसाइटी, समाज। तीनों में, लिटरेचर में हमारे लिए कुछ ऐसे महान वर्क दिए हैं जिनको पढ़ने की वजह से आज लोगों के मन गांव से जुड़ जाते हैं, लोगों की भावनाओं से जुड़ जाते हैं, लोगों के प्रतिदिन के जीवन की चीजों से जुड़ जाते हैं, बंदा डूब डूब जाता है उनकी पोयम्स में। एक एग्जाम्पल है, जैसे जो हैदराबाद का एक बाजार है, उसमें जो बैंगल्स होते हैं ना, चूड़ियों का जो बाजार होता है, उसका एक विविड डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपने एक वर्क में दिया है, वो देखने वाला है। यूजीसी नेट लेवल का मैं का जो चीजें है ना, इनके जो वर्क से बहुत पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, पहली चीज लिटरेचर में भी इनने बहुत अच्छा काम किया, और दूसरी चीज हमारे भारत की पहली गवर्नर जनरल, सॉरी पहली गवर्नर, किसी स्टेट की पहली गवर्नर लेडीज, जो फीमेल गवर्नर है वो यही थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर और पूरे भारत की पहली किसी लेडीज को गवर्नर बनाया गया, तो वो सरोजिनी नायडू थी। दैट मींस ये काफी इंटेलिजेंट भी थी, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थी, लिटरेचर में भी खतरनाक थी। छोटे लेवल पे सोच के लिखना, बहुत मामूली शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और तीसरी चीज है सोसाइटी, समाज में भी इनने अच्छा रोल प्ले किया, मैरिज भी की, फैमिली भी बनाई, ऐसा कोई चीज नहीं बची जो इनने ना की हो, मतलब अच्छे कामों में। और समाज में जो छोटे बड़े का जो भेद चलता था ना, कास्ट सिस्टम, उसके खिलाफ अगर पहली बार किसी लेडीज ने आवाज उठाई थी और उस चीज को करके दिखाया, वो यही थी। नायडू फैमिली बड़ी फैमिली और ब्राह्मण फैमिली से कहलाते हैं। इनने जो शादी की थी वो एक नॉन ब्राह्मण से की थी, और उस समय ये शादी करना, मतलब ये समझ लो कि लाखों लोगों के अगेंस्ट जाना, इनको रातों रात इनका मर्डर भी किया जा सकता था, मतलब इतना खतरनाक माहौल था उस समय। उस समय ये कदम उठाना शायद ही किसी के बस की बात हो, इनने किया था इंटरकास्ट मैरिज। तीनों फील्ड में बहुत खतरनाक तरीके से, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्गली इन्वॉल्व थी ये। ठीक,
ओके नाउ थर्ड मेंशन हर मल्टीफेस्ड रोल एज अ पोएट. एक पोएट के रूप में उन्होंने बहुत सारे रंग दिखाए हैं अपने. सिर्फ ये नहीं कि पोयम में एक टाइप की पोयम ही लिख रहे हैं कि ग्रामीण ग्रामीण ही लिख रहे हैं या सिटी सिटी ही लिख रहे हैं, हर टाइप की. फिर पॉलिटिशियन, राजनेता तो थी ही, पहली गवर्नर बनी, मतलब फेमस है, जीके की बुक में भी हिस्ट्री में भी इनका नाम होता है. फेमिनिस्ट, फीमेल सपोर्टर, फीमेल्स को फीमेल मानने वाली, फीमेल का एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करने वाली, उनके अगेंस्ट उनके सॉरी उनके सपोर्ट में लड़ने वाली, एंड एक्टिविस्ट, और समाज में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसके लिए जागरूक रहने वाली एक लेडी के रूप में सरोजनी नायडू को याद किया जाता है. मतलब बहुत सारे काम किए हैं. चलो आगे बढ़े. ओके, बॉर्न इन हैदराबाद, सरोजनी नायडू वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय, अ साइंटिस्ट, एंड भरत सुंदरी देवी, अ पोएटिस. तो इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था. ये अपने पिता अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय की सबसे बड़ी बेटी थी. इनके पिता जो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और इनकी माँ जो भरत सुंदरी देवी थी वो एक कवित्री थी, मतलब वो भी लिखती थी. तो कहीं ना कहीं अपनी माँ से ही इनको ये सीख मिली है कि पोएम्स मतलब क्या होती हैं, और लिखी लिखने का जो उनको इनका जो मोटिवेशन था वो वही रही होंगी. और पिता से जो स्ट्रांगनेस होती है, जो समाज में इंटेलेक्चुअल होने की जो फीलिंग्स मिलती हैं, वो अपने फादर से मिली. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, राइज इन एन इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, हर अर्ली एक्सपोज टू लिटरेचर एंड कल्चर शेप्ड हर फ्यूचर एज अ राइटर. उनकी यह इंटेलेक्चुअलिटी है ना, और उनका जो एनवायरनमेंट था, उस एनवायरनमेंट की वजह से उनका जो ध्यान था वो साहित्य और कल्चर की फील्ड में एक राइटर बनने के लिए हुआ. नायडू वाज प्रोफिशिएंट इन मल्टीपल लैंग्वेज, मतलब इनका बहुत सारी भाषाओं में निपुणता हासिल थी, जिनमें से क्या क्या था, उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश एंड बंगाली, विच एंड इट्स अ लिटरी रिपोर्टियर. और इसकी वजह से इनने अपने साहित्यिक जो योगदान था उसको इनने आगे बढ़ाया और ये सब कुछ किया. मतलब सोचने वाली बात है कि लोग एक भाषा नहीं जानते हैं और वहीं ये लोग, मतलब जो पुराने लोग थे या जो राइटर्स हैं, वो तीन तीन चार चार भाषाओं के एक्सपर्ट हुआ करते थे. तो बड़ी बात है. ठीक, आगे बढ़े. नायडूस पोएट्री रिफ्लेक्ट्स अ ब्लेंड ऑफ रोमांटिसिज्म, नेशनलिज्म एंड फेमिनिज्म. नाउ ब्लेंड मींस होता है मिक्स होना. तो इनकी पोएट्री किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, रोमांटिसिज्म, नेशनलिज्म एंड फेमिनिज्म की जो आइडियाज होते हैं वो इनकी पोएट्री में मिलेंगे. ध्यान रखना ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, एग्जाम में जरूर मेंशन कर देना है अपने को. यही वो पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता बताते हैं कि आपने पढ़ा है. अगर आप ऐसा ही कुछ भी लिख के आ रहे हो, खास खास पॉइंट स्किप कर रहे हो, मतलब आपने प्रॉपरली पढ़ा ही नहीं, आया समझ. ये पॉइंट्स इंक्लूड होने ही चाहिए, मस्ट हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद. देखो अभी हमने बताया था, कैप्चर द वाइब्रेंट एसेंस ऑफ इंडियन मार्केट्स व्हाइल हाइलाइट्स द डिग्निटी ऑफ लेबर. तो ये वो पोयम है जिससे हमें पता चलता है कि भारत के जो ग्रामीण या लोकल बाजार होते हैं वो कैसे होते हैं. मान लो आज से 100 साल बाद जब कुछ नहीं बचेगा, टेक्नोलॉजी की वजह से लोग सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, उस वक्त हमें याद आएगा कि बाजार कैसे होते थे. तो उस टाइम पे और आज भी जो इन मॉल के चक्कर में जो बाजार खो गए हैं वो हमें पता चलते हैं
इन्हीं पोयम्स से कि यार कभी ऐसा बाजार था। और क्या सबूत है बताओ, कोई कैमरे उस समय ज्यादा थे नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन कल्चर तो था, इससे अच्छा कल्चर था। तो ये होती है पोयम्स, कोई लिख जाता है और बिल्कुल ऐसा, देखो बताना मुंह से वैसे सिंपली लिख के बता देना अलग बात, जब उसका शानदार डिस्क्रिप्शन हो ना, पूरी छवि बन जाती है। आज भी हमने ये जब ये पढ़ा था, आज भी फोटो बनी है कि वो बाजार था कैसा, बिल्कुल एक एक चीज एक एक दुकान दुकान से लोगों तक के चेहरे समझ में जाते हैं कि वाह। फिर ये बाजार के बारे में, फिर है इंडियन बीवर, जो जुला जो बुनकर होते थे उनके बारे में बताया। सेलिब्रेट्स द क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन आर्टिसंस व्हाइल लेमेंटिंग देयर एक्सप्लोइटेशन अंडर कॉलोनियल रूल। कैसे भारत के जो बुनकर थे तो कॉलोनियल रूल में, मतलब ब्रिटिश राज्य में, उनकी क्या हालत थी। लेमेंटिंग मतलब उनका दुख, उनके दुख को किस तरीके से बताया गया है, कैसा उनका दुख था उस समय का, उनको क्या तकलीफें थी, जो क्राफ्टमैनशिप थे ना, तो इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो सब इंडियन वीवर में उन्होंने बताया। फिर है हर पोएट्री ऑफन फीचर्स रिच इमेजरी। पहले ही बोला हमने, इमेजरी बहुत शानदार यूज होती, मतलब फोटो बन जाती दिमाग में। एवोकेटिंग मेटाफर्स एंड रिदमिक लैंग्वेज। इनकी लैंग्वेज, इनकी जो पोएट्री में सिर्फ राइम अकेली सी नहीं थी, उसमें रिदम भी होती थी। रिदम मतलब होता है एक प्रकार से, जैसे गाना में अपने जो बीट्स होती है ना, उस टाइप से। ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन मिथोलॉजी एंड फोकलोर। तो मिथोलॉजी जानते हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनको मिथोलॉजी में शामिल करते हैं। और फोकलोर मतलब होता है एक जो प्राचीन कल्चर है, जो ग्रामीण कल्चर है, जो पहले का जो चीजें हैं, है ना, जो फोक मतलब आदिवासी टाइम का, वो जो फोक सॉन्ग होते हैं ना, पुराने गाने, ये समझ लो, तो वो चीजें। तो इन सब में जो अपने लोकल गाने होते हैं ना, राही हो गई जे, है ना, सजनई हो गई, भजन भक्त हो गई, ये सब फोकलोर में आते हैं। तो ये सब कुछ, तो पोएट्री की फील्ड में सरोजनी नायडू ने बहुत खतरनाक बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं, है ना, मतलब क्या ही कहने, किसी से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन जो था बहुत ग्रेट था। ओके, पॉलिटिकल एक्टिविज्म। अब इनके राजनीतिक करियर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो देखो। नायडू वाज एन ऑर्डेंट सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी। नायडू वाज अ ऑर्डेंट सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधीज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। देखो तुमने एक चीज ध्यान देना, इंग्लिश की एक खासियत होती है, उसको अगर सही तरीके से पढ़ दिया जाए ना, तो वैसे ही आधी बात समझ में आ जाती है। अब इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी आधी। देखो आधी बातें फीलिंग आ जाती है, बस मीनिंग का फर्क रहता है। तो जो सरोजनी नायडू थी वो महात्मा गांधी की बहुत बड़ी सपोर्टर थी, और उनके कौन से मूवमेंट की, नॉन वायलेंस मूवमेंट, है ना, मतलब अहिंसा, अहिंसा का जो रास्ता था उसको वो बहुत सपोर्ट करती थी, नॉन वायलेंस, ठीक। ओके फिर सी प्लेड अ पिवोटल रोल इन इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। इनने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनल मूवमेंट्स में, मतलब आजादी के संघर्ष में। पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटेस्ट मार्चेस एंड सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। क्या ये कैंपेन, है ना, कैंपेन्स, तो हाँ, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में इनने स्ट्रॉन्गली पार्टिसिपेट किया। सिविल डिसओबीडियंस मतलब, अब समझना शुरू करो जो तुमने हिंदी में पढ़ा है कभी,
डिसोबीडियंस मतलब होता है अवज्ञा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, एज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925, इनने एक और झंडा गाड़ा था गवर्नर बनने से पहले। ये भारत की पहली फीमेल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी 1925 में। नायडू सेटल्ड जेंडर बैरियर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो इनने पहली बार लोगों के मतलब पुरुषों के बीच में किसी महिला ने ये जगह बनाई थी, नहीं तो महिलाओं के लिए ऐसी जगहों पे कायदे से देखा जाए तो घुसने तक नहीं दिया जाता था, कहता था कि तुम बस चूल्हे चौके तक सीमित रहो, इत्यादि बड़े भी क्वेश्चन ना करो, तुम काम की नहीं हो। ये निकली थी फीमेल्स में जो इतने आगे गई, मतलब कहीं रुक नहीं पा रुकी नहीं है। हर मतलब की जो 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 फील्ड अपन ने बात पहले की है उन सारी फील्ड में इन्हें बहुत स्ट्रॉन्गली काम किया है। कहा मार्च मतलब रैलियां जो निकलती है ना उनमें जाना, मार्च दांडी मार्च आया समझ में, ये वही मार्चेस हैं रैलियां, उनमें ये बड़ा चढ़ के भाग लेती थी, खुद दांडी मार्च में भी थी, हमेशा पैदल साथ में रही है गांधी जी के। ठीक, चलो देखो फेमिनिज्म है ना, फेमिनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिस पे बहुत कम बात की गई है, लेकिन अब ये लिटरेचर का बहुत फेमस टॉपिक है। नायडू पोएट्री एम्बॉडीज अ प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, तो इनकी जो पोयम है वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के को आगे ले जाने वाली है ना, प्रोग्रेसिव। एडवोकेटिंग फॉर वुमेन्स राइट एंड एम्पावरमेंट, तो महिलाओं के अधिकारों और उनके हकों के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए ये जो जो सरोजिनी नायडू थी इनने बहुत सारे काम किए। पोएम्स लाइक, अब कुछ पोएम्स में इनने क्या किया था, इन पोएम्स के थ्रू बताया था मतलब फीमेल्स जो वुमेन्स थी ना उन लोगों के लिए ये चीजें इनने करी। तो क्या क्या थी, द क्वींस राइवल, इनने एक पहली पोएम लिखी जो फीमेल्स के लिए थी वो थी द क्वींस राइवल, है ना, मतलब एक रानी का विरोधी। नेक्स्ट एंड द पर्दा नसी, पहली है क्वींस राइवल, सेकंड है द पर्दा नसी, है ना, गाना भी है पर्दा नसी, सुना होगा, सुन लेना, अमर अकबर एंथोनी मूवी का है, बहुत पुरानी मूवी है। चैलेंज पैट्रियार्कल नॉर्म्स, और इनने जो पितृ सत्तात्मक जो समाज था ना, पैट्रियार्कल जो पितृ सत्तात्मक नियम थे, नॉर्म्स मतलब नियम कानून और पैट्रियार्कल मतलब होता है जो पितृ सत्तात्मक समाज होता है, जैसे आज भी हमारे समाज में देखते हैं, तो सबसे पहले जो जो डिमांड होती है कि भाई लड़का होना चाहिए, है ना, पहली चीज पितृ सत्तात्मक समझ गए, भाई लड़का होना चाहिए पहली चीज, भाई की परिवार को चलाने वाला लड़का ही होगा, है ना, ये सारी चीजें, बहुत सारी सोच जो जिसमें सिर्फ लड़के को इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना, या लड़की ही घर छोड़ के लड़के के यहाँ पे रहने जाएगी, ये भी पैट्रियार्कल नियम है। समाज में सब कुछ जो है वो मेल डोमिनेंस है ना, अगर लड़के का मान लो कि परिवार का बताना है तो जो मान लो किसी दो लोगों लड़का लड़का है कोई भी या कुछ भी है, मान लो कि आप किसी के लड़के या लड़की हो तो आपके पिता के नाम से पहचानी जाती है, आप अगर कह दो कि नहीं पिता का नाम हमें नहीं बताना, हम सिर्फ माँ का नाम बता सकते हैं बस, तो आपको गलत नजर से देख लिया जाएगा, समझ गए, मतलब पिता को मेन मानेंगे। अगर आप कहोगे कि नहीं हमें पिता का नाम नहीं बताना तो कहेंगे कि मतलब आप नाजायज औलाद हो, तो ये हमारा पैट्रियार्कल सिस्टम है। हालांकि भारत में इसके लिए पहल होने लगी है, अब सरकार सबसे पहले
माँ के नाम को इम्पोर्टेंस दे रही है, क्योंकि विदेशों में ये होता है कि आपके पिता के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पिता कौन है कौन नहीं है, माँ का नाम जरूरी है, माँ का पता होना चाहिए बस, आपकी माँ की शादी हुई है नहीं हुई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिस्टम उनका सही है। हाँ वो खत्म है, अभी भी कुछ बहुत छुपे हुए गांव ऐसे होंगे शायद वहां हो, पता नहीं चल पाता कभी कभी। तो चैलेंज पेट्रियार्कल नॉर्म्स, अब समझिए इसका मतलब पितृसत्तात्मक नियमों को इनने चैलेंज किया एंड सेलिब्रेट वुमेन्स एजेंसी, और महिलाओं के जो संस्थाएं थी और महिलाओं के जो हक अधिकार थे उनको इनने सेलिब्रेट किया। नाउ नेक्स्ट, सी एक्टिवली कैंपेन्ड फॉर वुमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के लिए इनने बहुत सारे आंदोलन चलाए, सफरेज एंड पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, पाविंग द वे ऑफ फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। तो जो भारत की जो औरतें थी उनके लिए एक ऐसा मजबूत रास्ता बनाया है ना, जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके, तो यहाँ पे पेविंग मतलब है एक मजबूत रास्ता। ठीक, ओके। इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर है ना, तो नायडूज मास्टरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड हर यूनिक इंडियन पर्सपेक्टिव सिग्निफिकेंटली एनरिच द कैनन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर में इनकी मास्टरी थी, और उसमें भी क्या, भारत का जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर था ना उसमें तो ये बहुत बड़े 30 मार्क आती समझ लो, है ना। फिर हर वर्क्स एग्जेम्प्लीफाई द फ्यूजन ऑफ इंडियन सेंसिबिलिटीज, इनके जो वर्क्स थे वो भारत की जो संवेदनशीलता है ना उसको उसको जस्टिफाई करते थे, उसको बताते थे विथ वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म्स, किन से किसके साथ, वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म्स के साथ। मतलब ऐसे समझो कि भारत का गाना है और उसको आप इंग्लिश स्टाइल में गाओ, इंग्लिश पॉप स्टाइल में गाओ, हमारे यहाँ का लोकल कोई गाना है ना बुंदेली गाना, समझ गए। तो इनने वो किया, मतलब भारत की जो पहुंच थी, जो भारत की जो फीलिंग्स थी, हिंदी हिंदी लोगों की फीलिंग्स, उनको इंग्लिश में दुनिया को बताया, दुनिया ने ये देखा कि यार ऐसा है ये भारत, ग्रामीण भारत, शहरी भारत, बाजार, मोहल्ले, गलियां, ऐसा है। फिर अर्निंग हर रिकॉग्निशन एज अ पायोनियर इंडो एंग्लियन राइटर, और इनने एक नाम कमाया, एक नाम अर्न किया, एक रिकॉग्निशन, एक पहचान बनाई एज अ पायोनियर इंडो एंग्लियन राइटर, मतलब भारत जो कहते हैं ना आंग्ल भारतीय राइटर, जबकि थी इंडियन ये टोटली, विदेशों की कभी नागरिकता नहीं ली, लेकिन इनको इंडो एंग्लियन राइटर गिना जाता है, आंग्ल भारतीय राइटर, क्योंकि इंग्लिश में बहुत लिखा है। फिर नायडूज पोएट्री कंटिन्यूज टू इंस्पायर कंटेम्प्रेरी इंग्लिश पोएट, इंडियन इंग्लिश पोएट, उस समय के जो भारत के जो इंडियन इंग्लिश पोएट थे उन लोगों को भी इंस्पायर किया लिखने के लिए, उनको कहा कि नहीं यार इंग्लिश में जब मैडम लिख रही है तो हम कहा नहीं लिख सके, वो लोग इनको देख के प्रोत्साहित हुए। सर्वाइविंग एज अ कल्चरल ब्राइड्स, सॉरी कल्चरल ब्रिज बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब भारत को क्या बोलते हैं, वेस्ट से वेस्टर्न सिटी मानते थे ये लोग, और ये लोग ईस्ट से आए थे, मतलब ये अपने को ईस्ट का मानते, तो मतलब एक इंग्लैंड और भारत, मतलब इंग्लिश कल्चर और इंडियन कल्चर को जोड़ने वाली जो कड़ी थी वो इनकी पोएट्री थी, उन दोनों का जो मैसअप था वो। ठीक, ओके। लिटरेरी अचीवमेंट, नायडू सरोजिनी नायडू रिसीव्ड वाइब्रेंट एक्लेम फॉर हर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन बोथ इन इंडिया एंड अब्रोज, इनने ये भारत और विदेश वहां तक इनने अपना जो साहित्यिक योगदान था दिया और उसको फैलाया। सी वॉज अवार्डेड द केसरी हिंद मेडल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट
और हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक इन इंडिया, जिस दौर में भारत में प्लेग की बीमारी फैली थी उस टाइम पे इनने मानवतापूर्ण कार्य किए, लोगों की मदद की जिस तरीके से हो सकी। वैसे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके मानवतापूर्ण कार्यों के लिए इन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। नायडू पोएट्री कलेक्शन इंक्लूडिंग द गोल्डन थ्रेस होल्ड, ये मोस्ट मोस्ट आईएमपी वर्क्स है, क्योंकि ये कलेक्शन है और इनकी जो सारी पोएम्स हैं, मतलब सारी कहने का मतलब जो खास खास पोएम जो अपने सिलेबस में आती हैं उसमें से 90% पोएम इसी कलेक्शन में से उठाई जाती हैं, और आपके सिलेबस में भी जो है वो इन्हीं में से उठी हैं, इसी बुक्स में से उठी हैं। एक पूरी बुक है द गोल्डन थ्रेस होल्ड, एंड द एक दूसरी एक और कलेक्शन है द फीदर ऑफ डॉन। डॉन मतलब होता है गोधूली, सुबह के स्टार्टिंग का जो समय होता है ना, जब मॉर्निंग होने से पहले, सूर्य उगने से पहले, फीदर मतलब होता है पंख, तो उस समय के पंख। रिमेनिंग रिमेन्स द टाइमलेस क्लासिक्स इन इंडिया लिटरेचर, तो उस टाइम की ये पोएट्री है, मतलब ये दो इनके कलेक्शन है। और जहां तक हमें याद है, जो गोल्डन थ्रेस होल्ड था, हमारे पास पैसे नहीं थे ये बुक खरीदने के लिए, तो हमने ऐसे ऐसे जगह से जुगाड़ करने की कोशिश की कि हमें पूरी बुक मिल जाए, और जहां से ये मिली तो पूरे 250 पेजों के स्क्रीनशॉट मारे थे हमने, क्योंकि वहां से ये डाउनलोड नहीं हो सकती थी। इतनी शानदार पोयम है, इसमें गूगल बुक पे अवेलेबल है, बस वो डाउनलोड नहीं होती। आगे देखें, बात करें लेगेसी की, उनके महानता की, तो सरोजिनी नायडूज लेगेसी एक्सटेंड्स बियॉन्ड लिटरेचर। उनकी जो प्रसिद्धि है ना, प्रसिद्धि वो साहित्य से भी बहुत ऊपर है। लीविंग एंड इनेड इनडेलिबल मार्क्स ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, भारत के समाज और जो साहित्य है ना, उसमें भी उनका जो निशान है ना वो बहुत खास है। हर एडवोकेटिंग, और वो किस चीज की वकालत करती हैं, फॉर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, जेंडर इक्वालिटी एंड नेशनल इंडिपेंडेंस। जेंडर इक्वालिटी मतलब जो पुरुष महिला का जो भेद है ना उसके खिलाफ। फिर नेशनल इंडिपेंडेंस, कंटिन्यूज टू इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन, और उनके द्वारा ये किए गए काम आने वाली जनरेशन के लिए भी इंस्पायर करते हैं। नायडूज रेसिडेंस, अब सरोजिनी नायडू का जो है रेसिडेंस है क्या, मतलब वो कहाँ रहती हैं, तो देखो अभी तो वो जिंदा है नहीं, लेकिन अब देखो यहाँ रेसिडेंस मतलब किस सेंस में यूज हुआ है, तो कहते हैं नायडूज का जो रेसिडेंस जो है, वो घर जो है वो क्या है, द गोल्डन थ्रेश होल्ड हैज बीन ट्रांसफॉर्म इंटू अ म्यूजियम इन हैदराबाद। मतलब उनका जो वो है ना थ्रेश होल्ड, वो बुक ही एक प्रकार का म्यूजियम है, आपको उस बुक में पूरा हैदराबाद देखने मिल जाएगा। ऐसी ऐसी इमेजरी यूज की गई है, ऐसी पोएम्स है, पूरा हैदराबाद चाहे तुम वहां घूम के देख लो, और चाहे तुम बैठ के पूरा हैदराबाद उसको उस एक बुक में देख लो। नहीं, म्यूजियम में नहीं रखी, बुक को म्यूजियम बोला गया है, उस एक बुक में मतलब पूरा हैदराबाद समाया है, ये कहना चाह रहा है। फिर कॉमेमोरेटिंग, थोड़ा सा टफ वर्ड है लेकिन आधा आधा बोल सकते हो, कॉमेमोरेटिंग हर लाइफ एंड अचीवमेंट। ठीक है, तो इनका जो जीवन है और इनकी जो अचीवमेंट है वो उसमें कंप्राइज की गई है उस एक बुक में। ठीक, आगे देखें, क्रिटिकल रिसेप्शन, अब इनके बारे में लोगों के जो कटाक्षपूर्ण आलोचनापूर्ण शब्द है वो क्या है, तो स्कॉलर्स हैव लॉडेड सरोजनी नायडू पोएटिक क्राफ्टमैनशिप, थीमेटिक डेप्थ एंड प्रोग्रेसिव आइडियल्स। मतलब
जो स्कॉलर्स है, जो महान लोग हैं या जो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, तो वो लोग ये बात चिल्ला के कह सकते हैं या उस इस बात का लोहा मन मानते हैं वो, कि इनकी जो पोएट जो पोएटिक क्राफ्टमैनशिप थी, मतलब जो पोएम को लिखने की जो कलाकारी थी, थीमेटिक डेप्थ, किसी भी थीम में बिल्कुल गहराई से घुस के उसको पढ़ना, एंड प्रोग्रेसिव आइडियल्स, और एक जो तरक्की करने वाला या एक जो प्रोग्रेसिव पर्सन होता है ना, वैसे इनकी पोएट्री और ये थी। फिर क्रिटिक हैव एनालाइज हर वर्क्स थ्रू वेरियस लेंसेज, तो जो क्रिटिक्स थे इनको किन किन बिंदुओं पे इनकी आलोचना करते हैं, मतलब इनको चेक करते हैं कि तुम कितनी स्ट्रांग हो, तुम्हारे वर्क्स में कितनी ताकत है या तुम्हारा वर्क्स कितना खास है, तो किस किस लेंसेज से वो इसको इनको जज करते हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, ध्यान रखना ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, इनकी स्पेशल स्टडी होती है यूजीसी नेट के टाइम पे, आपको ये अलग से एक एक बुक आती है अच्छी खासी, अगर हमने दिखाई हो तो, हमने एक दिन बुक दिखाई थी जो हम सुनील के वहां से देख के आए थे, जो 10-12 बुक्स थी, इन पे सेपरेट बुक्स है। तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एंड कल्चरल स्टडी, इन तीनों ही पर्सपेक्टिव्स में इनकी स्टडी की जाती है, इनको जज किया जाता है, जांचा जाता है। फिर कंटेम्पररी स्कॉलर और उनके कंटेम्पररी, उस समय जब सरोजनी नायडू थी तो और भी राइटर रहे होंगे ना, तो उनको बोलते हैं कंटेम्पररी स्कॉलर, उस समय के जो थे, कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द नॉनसेंस ऑफ नायडूज पोएट्री, है ना, एंड अनकवरिंग लेयर ऑफ मीनिंग एंड रिलिवेंस इन टुडे कॉन्टेक्स्ट। तो वो क्या करते हैं, उनकी पोएम्स जो हैं उनको, उनमें जो मीनिंग छुपे हैं है ना, उनको दिन प्रतिदिन, या आज के जो कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, ये लोग दिन प्रतिदिन की पोएम्स में से खास खास बातें निकालते ही जा रहे हैं, क्योंकि उनके ट्रांसलेशन होते जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें उनमें मिलती जा रही हैं, क्योंकि लिखी हुई पोएम जो होती हैं उनकी मीनिंग बहुत निकलते हैं, पता नहीं बंदे ने किस सोच में लिखा था, हमको काफी देर बाद समझ में आए। तो इनकी आज भी इन पे रिसर्च चल रही है, मतलब ठीक। ओके, सरोजिनी नायडूज लाइफ एंड वर्क्स एग्जेम्प्लीफाई द ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ लिटरेचर इन शेपिंग सोसाइटीज एंड इंस्पायरिंग चेंज। इनने जो साहित्य के फील्ड में जो जो कुछ किया है ना, लिटरेचर की फील्ड में जो जो कुछ किया, उसने समाज को बदला और उसको इंस्पायर किया। इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट कैन गेन वैल्यूएबल इंसाइट्स फ्रॉम स्टडिंग हर पोएट्री, पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड फेमिनिस्ट फिलोसफी। लिटरेचर को स्टूडेंट है वो गेन करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, वैल्यूएबल इंसाइट्स, मतलब जो काम की जो चीजें हैं ना, इनकी स्टडी से सीखती हैं कि क्या था इनकी पोएम में, क्या था इनके राजनीतिक जीवन में, क्या था इनके फेमिनिस्ट फिलोसफी में, क्या था। और लास्ट, नायडूज एंड्यूरिंग लेगेसी सर्व एज अ टेस्टामेंट टू द एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ लिटरेचर इन द परसूट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और लास्ट में बोलते हैं कि इनका जो इनके जो वर्क्स थे है ना, वो साहित्य में एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जिससे कि हमारी आपकी जो पहुंच है, हमारी जो पहुंच है वो सामाजिक न्याय और मानव की जो गरिमा होती है वहां तक पहुंचने में मदद करती है, उनके जो लिखे हुए वर्क थे। तो ऐसी थी सरोजनी नायडू, और इसी के साथ अपने ये कहानी खत्म।